अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं बहरीन से अदनान साहब। ये बहरीन में पैदा हुए और पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर भी रहे हैं ऑलरेडी, कुछ थोड़ी सी सरमायाकारी इन्होंने कर रखी है। और मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते रहे और इन्होंने कहा कि जी मैंने सेशन फिर इसलिए लिया कि मैं ज़रा निखार लाऊँ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। तो हमने पूरा एक घंटा कोशिश की कि अदनान भाई की ट्रेडिंग में निखार लगाएं। अब इनसे पूछते हैं कि इनको समझ आई, किसी स्क्रिप्ट का नाम हम शेयर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे आपके अंदर एज एन इन्वेस्टर कितनी वैल्यू एडिशन हुई है। जी जी सर, सबसे पहले तो जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ सेशन बुक करने का, और मैं समझता हूँ कि मेरे पास मैंने टेक्निकल एनालिसिस का तो कोर्स किया हुआ था, लेकिन मैं अपने आप को आधा अधूरा फील कर रहा था। तो आपके साथ अभी बात करने के बाद मुझे पता चला कि फंडामेंटल्स भी बहुत कुछ होता है, और फंडामेंटल्स के बगैर जो आपकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो आधी अधूरी है। तो आपके साथ बात करने के बाद काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट में मजीद जो है आपके फॉर्मूले के ऊपर, 90 डेज फॉर्मूले के ऊपर ही काम करूँ। थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं सिर्फ लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि वैल्यूएशन ज़रूर एसेट की निकालनी सीखें, कभी भी ब्लाइंडली वैल्यू निकाले बगैर किसी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशंस। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, और नान भाई को भी खुदा हाफिज़ और आप सबको भी खुदा हाफिज़। तो ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।